गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये शुरू कर लिया था, और फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा कि बार मैग्नेट क्या होती है और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार बनता है। आज इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इस चैप्टर में जो है, मतलब चैप्टर का नाम ही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मतलब विद्युत के कारण चुंबक उत्पन्न होती है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होता है और उसकी व्यवस्था क्या होती है। धारावाही चालक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उनकी भाई आकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे धारावाही चालक सीधा हो सकता है, या वृत्त के आकार का हो सकता है, या फिर प्रणालिका के रूप में भी हो सकता है। तो ये किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे अलग अलग आकृति के, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब पहले वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात सबसे पहले बताई थी भाई ओएस्टेड ने, ओएस्टेड इन 1820 में बताई थी ओएस्टेड ने 1820 में, कि अगर हम किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। उसने क्या किया, उसने एक चालक लिया, ये कोई चालक ले लिया, इस चालक में उसने विद्युत धारा को प्रवाहित करवाया। मतलब कैसे प्रवाहित करवाया, ये चालक जो है, जरूरी नहीं है कि ये कोई ओपन तार है, मतलब इंसुलेटेड भी वायर हो सकता, कोई तार ले लिया उसने, तार मतलब कोई चालक ही है। तो ये तार ले लिया और इसको बैटरी के साथ जोड़ दिया भी। अब जब बैटरी के साथ उसने जोड़ा तो मान लो ये इसका नॉर्थ है, ये साउथ है, पहले ले लेते हैं हम इस प्रकार से, मतलब नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इसमें विद्युत धारा जाती है, ये विद्युत धारा की दिशा है। तो उसने देखा कि जब इस चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसके पास अगर हम कोई दिशा सूचक रखते हैं, दिशा सूचक मैंने बताया था क्या होता है, उसमें एक नीडल होती है और वो नीडल वो घूमती रहती है अपने आप, क्योंकि ये खुद में, ये नीडल जो होती है ये खुद से एक चुंबक होती है। तो ये आसपास अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उसके प्रभाव में ये हिलेगी। क्यों, क्योंकि एक चुंबक दूसरे चुंबक के ऊपर बल तो लगाती ही है, ये तो हमें पता ही है। अब ये नीडल की जो सुई है ये खुद से अगर चुंबक है तो इसके आसपास अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये जरूर हिलेगी। तो उसने देखा जब हमने इस धारावाही चालक के पास एक दिशा सूचक को रख दिया, मतलब कंपास को रखा, तो ये विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये कंपास की सुई यहां से, मतलब ऐसे सीधी थी तो ये इस डायरेक्शन में चली गई, पहले ऐसे सीधी थी तो ऐसे घूम गई दूसरी इस डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद जब उसने करंट को बंद कर दिया, मतलब कुंडली को ऑफ कर दिया, मान लो ये स्विच है तो ये स्विच को ऑफ कर दिया उसने, तो दोबारा से उसकी जो नीडल थी, मतलब इसकी कंपास की जो सुई थी, वो दोबारा से उसकी वास्तविक स्थिति पे आ जाती है। उसके बाद उसने दोबारा से फिर ऑन किया तो उसने देखा फिर से उसकी सुई डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब विचलित हो गई उसकी स्थिति से। तो उसको पता चल गया क्या, कि कोई भी धारावाही चालक जो है जब उसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्यों उत्पन्न होता है, देखो मतलब कैसे पता चला, क्योंकि जो कंपास होती है उसकी सुई तभी विचलित हो सकती है जब उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा, और अगर वो विचलित हुई है तो इसका मतलब है इसमें, इस चालक में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और वो किसके कारण हुआ है, देखो जब इसमें कोई विद्युत धारा नहीं है तो ये अपनी स्थिति पे यूं की यूं है, वास्तविक स्थिति ऐसी, जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी तो ये अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। इसका मतलब है जब विद्युत धारा के कारण इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस बैटरी को बदल दिया, मतलब क्या था, इस साइड क्या कर दिया उसने, प्लस वाला और इस साइड माइनस वाला जोड़ दिया, मतलब क्या हो गया, इसमें विद्युत जो धारा थी उसकी दिशा बदली। जैसे इसमें विद्युत धारा की दिशा बदली तो उसने देखा कि जो ये सुई थी इस सुई की दिशा भी बदल गई, पहले ये उस साइड डिफ्लेक्ट हुई थी, उस साइड गई थी, तो ये अब इस साइड आ गई। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने क्या बताया, एक तो उसने ये बता दिया कि कोई भी धारावाही चालक जो होता है, मतलब उसमें से विद्युत धारा गुजरती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरा क्या बताया,
कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो विद्युत धारा की दिशा बदलने से बदल जाती है। तो वो तो इससे पता चल गया, जब इधर से विद्युत धारा गई थी तो इस साइड रिफ्लेक्ट हुई थी, इधर से गई तो इस साइड रिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब जो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा में परिवर्तन आ गया, किसके कारण? विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन से। तो यहां से यह साबित हुआ कि विद्युत धारा की दिशा के साथ चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। ये तो हो गया भाई क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये ओएस्टेड ने बता दिया 1820 में, और ये एक्सपेरिमेंट करके भी उसने बताया। ये पेपर में भी आ सकता है कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हम कैसे साबित कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट द्वारा हम बता सकते हैं। अब हम देखते हैं कि धारावाही चालक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, इस एक्सपेरिमेंट से यह साबित तो हो गया भाई किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब धारावाही चालक तो अलग अलग आकृति के हो सकते हैं, हो सकता है धारावाही चालक बिल्कुल सीधा है, ऐसे वायर है, ये चालक है तो मतलब सीधा भी हो सकता है, तार है कोई तांबे का तार, हो सकता है तांबे का तार इस प्रकार हो गोलाई में भी हो सकता है, वृत्ताकार पास के रूप में है। दूसरा हो सकता है कि ये कुंडली के रूप में है, इस प्रकार भी तो हो सकता है, ये तार है, ये इंसुलेटेड है, याद रखना मतलब इसके ऊपर कोई रबर लगी हुई है, ये तार है, ये भी तार है, और एक तार ये है, हमने इसको कोण कर दिया ऐसे, तो ये भी तार है। ये तो है सीधा धारावाही चालक, धारावाही का मतलब जिसमें से विद्युत धारा गुजरती है, तो सीधा है, इसको बोलते हैं वृत्ताकार पास। देखो वृत्त बना दिया हमने, किसका? एक तार का वृत्त बना दिया, ये वृत्ताकार पास है और इसको बोलते हैं प्रणालिका। तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं कि एक जो सीधा धारावाही चालक होता है, बिल्कुल स्ट्रेट कंडक्टर है, चालक है जो सीधा, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होगा, उसकी दिशाएं क्या है, और उसका चुंबकीय क्षेत्र किन चीजों पर निर्भर करता है। हमने ये चीज पढ़ने हुई कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उसकी दिशा वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है, ठीक है, ये पढ़ना है, इसमें भी यही पढ़ना है, इसमें भी यही पढ़ना है, और इसमें भी यही पढ़ना है। इनमें दोनों में से, इन तीनों में से कोई ना कोई पेपर में आ जाता है। तो हम शुरू करते हैं किससे, अपने फर्स्ट से, कि अगर आपके पास कोई सीधा धारावाही चालक है तो वह चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न करता है। अब हमने ले लिया भैया सीधा धारावाही चालक और इसको जोड़ दिया बैटरी के साथ। पहले हम क्या करेंगे ये देखने के लिए कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होगा। पहले पढ़ चुके हम चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण, जैसे मैंने बताया था आपको एक छड़ चुंबक होती है, ये एक छड़ चुंबक होती है, ये इसका नॉर्थ साउथ, तो इस प्रकार इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, बताया भी था पहले वीडियो में, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार होती है, कैसे पता लगा था हमने, मैंने बताया था कि एक गत्ता लो, उस गत्ते के नीचे इसको रख दो छड़ चुंबक को, और इसके ऊपर लोह चूर्ण को छिड़काओ और थोड़ा सा टैप करेंगे मतलब हिलाएंगे, तो जो लोह चूर्ण होगा वो अपने आप को लाइनों में व्यवस्थित कर लेगा, और वही लाइन जो होती है वही होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। अब इसके आसपास वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार बनेंगी, क्योंकि भाई चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कारण है। अब वो जो चुंबकीय क्षेत्र है तो उसके आसपास वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस प्रकार है, बस ये देखना हमने। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, अगर हम देखना चाहें खुद से तो कैसे देख सकते हैं, वही काम करेंगे हम जैसे इसमें किया था। तो हम क्या ले लेंगे, एक गत्ता ले लेंगे भाई, ये गत्ता ले लिया, एक कार्डबोर्ड ले लिया इस प्रकार से, ये कार्डबोर्ड लेके और इस कार्डबोर्ड में से हमने क्या किया भाई, कार्डबोर्ड में छेद कर दिया बीचों बीच इस प्रकार से। तो ये जो तार है, जो चालक है, इस गत्ते के बीचों बीच गुजरा हुआ है, इसमें एक छेद करके गत्ते में, और इसके बीच में से हमने ये क्या निकाल दिया, ये हमारा चालक जो सीधा चालक है वो हमने निकाल दिया, फिर इसको हमने जोड़ दिया किसके साथ, बैटरी के साथ, ठीक है भाई, ये हमारी बैटरी होगी, ये जोड़ दिया। अब ये बीच में क्या है, ये हमने स्विच लगा दिया भाई, कुंजी जिसको बोलते हैं, जब हम इस कुंजी को ऑन करेंगे तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो
जब हम इसकी कुंजी को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब प्रवाहित होगी तो इसके स्पर्श चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये देखना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनी है वो किस प्रकार है, तो हम क्या करेंगे, लोहे का चूर्ण ले लेंगे, लोहे चूर्ण को इस गत्ते के ऊपर इस तार के आसपास बिखेरेंगे, थोड़ा सा इसको टैप करेंगे, ऐसे ऐसे मारेंगे इसको, थोड़ा सा हिलाएंगे गत्ते को, इससे क्या होगा, जो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, लोहा चूर्ण अपने आप को उन रेखाओं में व्यवस्थित कर लेगा, जहां जहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी तो वह लोहा चूर्ण उन्हीं रेखाओं में अपने आप को व्यवस्थित कर लेगा। जैसे ही हमने इसके ऊपर लोहा चूर्ण को बिखेर दिया तो इसके आसपास वह लोहा चूर्ण ऐसे ऐसे रेखाओं में व्यवस्थित कर लेगा भाई, ऐसे एक पैटर्न बन जाएगा। इससे क्या साबित होता है, इससे यह साबित होता है कि एक सीधा धारावाही चालक जो होगा उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गोलाई में होंगी, मतलब सर्कल के रूप में होंगी। जैसे कोई चालक है, जैसे ये सीधा ले लिया, ये कोई चालक है, तो इसके आसपास अगर इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, वो गोलाई में होंगी इस प्रकार से, ठीक है। जैसे ये अगर धारावाही चालक है, ये धारावाही चालक है तो इसमें अगर विद्युत धारा गुजर रही है तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे गोलाई में होंगी, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि एक जो सीधा धारावाही चालक होता है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का ये पैटर्न है। अब बात आती है, ये तो पता चल गया भाई कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे सर्कल के रूप में है, लेकिन इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। जैसे हमने इसमें बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा नॉर्थ से साउथ की तरफ है, बाहर चुंबक के बाहर, और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अब इसमें जो सीधा धारावाही चालक है इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा की क्या दिशा है, तो इसके लिए एक रूल है, क्या उसको बोलते हैं मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल, मतलब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ये नियम किस लिए, ये नियम एक सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए है। तो ये तो हो गया भाई नियम। तो अब इस नियम के अनुसार उसने बताया क्या, ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि कल्पना करो कि सीधा धारावाही चालक आपके राइट हैंड में है, मतलब जैसे सीधा धारावाही चालक है, हम कल्पना करते हैं कि वो हमारे राइट हैंड में की मुट्ठी में है ऐसे, और हमारे राइट हैंड का जो अंगूठा है वह विद्युत धारा की दिशा में है। कल्पना करते हैं, ये जैसे ये विद्युत धारा की दिशा है, ये विद्युत धारा की दिशा तो हमें पता ही है, तो हम कल्पना करते हैं कि ये सीधा धारावाही चालक है हमारे राइट हैंड में है और हमारा अंगूठा इस विद्युत धारा की दिशा में स्थित है। तो जो उंगलियों का कर्ल होगा, मतलब जो ये उंगलियों का घुमाव होगा, ये है हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ठीक है। कल्पना करनी हमने कि जो धारावाही चालक में हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना चाहते हैं, कल्पना करो कि वह चुंबकीय सॉरी वो धारावाही चालक आपके राइट हैंड में है, आपने उसको अंगूठे में पकड़ रखा है और आपके अंगूठे को ऐसे सीधा रखना है और वह अंगूठा उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा में है, तो समझ लेना तो ये जो उंगलियों का घुमाव होगा ये आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा, ठीक है। जैसे इस चालक की बात करते हैं, इस चालक में चालक में विद्युत धारा की दिशा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम कल्पना करते हैं कि ये हमारे हाथ में ऐसे अभी, क्यों, क्योंकि अंगूठा तो विद्युत धारा की दिशा में होना चाहिए ना, तो हमने इसको ऐसे पकड़ा, तो हमारा उंगलियों का घुमाव कैसे है, इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार ऐसे आया। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्लॉकवाइज। बात समझ में आएगी। एक दूसरा ये है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, पेपर में आता है, इसी को एक दूसरे नियम से जिसको बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, कॉर्कस्क्रू नियम। कॉर्कस्क्रू नियम क्या होता है, कॉर्कस्क्रू क्या होता है, कॉर्कस्क्रू होता है भाई एक, ये समझ लो एक लकड़ी के अंदर छेद करने वाला होता है, जिसको ऊपर से एक हैंडल सा लगा होता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं छेद करने के लिए, वो अंदर लकड़ी के अंदर चला जाता है, उसके आगे
कुछ घुमावदार चूड़ियां सी होती है, अगर उसको घुमाएंगे तो वो लकड़ी के अंदर चला जाता है, उसको बोला जाता है कॉर्क स्क्रू। अब उसने क्या बताया कि कॉर्क स्क्रू नियम के अनुसार जब हम किसी कॉर्क स्क्रू को घुमाते हैं अपने हाथों से, तो कॉर्क स्क्रू जब आगे चलेगा, अगर वो विद्युत धारा की दिशा में है उसका चलना आगे की तरफ, तो हमारे हाथ का जो घुमाव होगा वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जैसे अगर वो कॉर्क स्क्रू आगे मूव कर रहा है इस तरह से, अगर जैसे ये इस तरह से ऐसे हम उसको घुमा रहे हैं और वो आगे मूव कर रहा है इसकी विद्युत धारा की दिशा में, तो जो हमारे हाथ घूम रहा है जिस दिशा में, वो दिशा हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर हम इसका उल्टा करें, उल्टा मतलब जैसे अगर विद्युत धारा ऐसे आती है और ऐसे आएगी तो हमें इसको वापस ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, तभी तो ये वापस आएगा, मतलब लकड़ी में से वापस आएगा, तो इसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, इस प्रकार उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे हम किसी कोई भी स्क्रू को बंद करते हैं या स्क्रू है तुम्हारे पास उसको टाइट करते हैं, तो जिस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है, अगर वो करंट की दिशा है तो हमारे हाथों का जो घुमाव है वह चुंबकीय क्षेत्र को बता देगा। अगर दिशा आगे है तो दिशा हो जाएगी इस साइड, अगर विद्युत धारा की दिशा इस साइड है तो स्क्रू को वापस निकालना पड़ेगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी उल्टी। ठीक, इसको बोलते हैं मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम, और ये है एक सीधे धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये भी पेपर में आ जाता है कि भाई एक सीधा धारावाही चालक किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब बात आती है कि इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ये किन बातों पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है एक तो विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा के मान पे, मतलब अगर इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, जितना अधिक विद्युत धारा इसमें आएगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होगा। मतलब ये समझ लो कि चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा का समानुपाती है, विद्युत धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। जैसे अगर मैं किसी बिंदु पे, यहाँ इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा अगर इस चालक में विद्युत धारा बढ़ जाती है, और अगर इस बिंदु की इस चालक से दूरी बढ़ जाएगी, मतलब जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती रहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता रहेगा, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। तो क्या होगा भाई, दूरी पे, दूरी के साथ क्या क्या संबंध होगा कि चुंबकीय क्षेत्र दूरी के साथ घट जाएगा, मतलब दूरी का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। जैसे जैसे दूर जाता रहेगा, कोई बिंदु दूर जाता रहेगा, तो उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ जो होती है उसकी क्षमता घटती चली जाएगी। बात समझ में आई? तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, जो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं ये ऐसे और वाइड होती रहेंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता घट जाती है। ये तो हो गया भाई क्या, एक सीधा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब हम बात करते हैं किसकी, वृत्ताकार पास की। एक वृत्ताकार पास की बात कर लेते हैं। वृत्ताकार पास क्या होता है, देखो है तो सभी में कोई ना कोई चालक ही, ये समझ लो तार ही है, बस हमने उसकी अलग अलग आकृति बना दी। एक बार उसको सीधा रख दिया, बिल्कुल सीधा धारावाही चालक के रूप में ले लिया, फिर उसको हमने वृत्त के रूप में बदल दिया, तो अब क्या बनेंगे भाई कि वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब सभी में चालक ही है, बस आकृति बदल रखी है। अभी सीधा चालक था, अब उसको वृत्ताकार पास में बदल दिया, ये चालक है, हमने इसको भी बदल दिया इसमें एक वृत्ताकार पास में, इस प्रकार एक वृत्त बना दिया उससे ये, तो ये जो इसको बोलते हैं वृत्ताकार पास। अब इस वृत्ताकार पास द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा, उसकी दिशा क्या होगी, और वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये देखते हैं। जैसे ये विद्युत धारा की दिशा इसमें ये आई और ये इस प्रकार गया और ये ऐसे निकला, तो हमें पता है अगर हम, क्योंकि एक वृत्त जो होता है वह बहुत छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है। जैसे एक चालक था, एक चालक के लिए हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की, भाई मैक्सवेल के दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा ज्ञात किए, इसको ऐसे पकड़ लिया। अगर हम इसमें भी अगर इसको ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे ही, तो
इसमें भी तो हमें पता चल जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, क्योंकि ये है तो चालक ही, सीधा चालक ही समझ लो, बस हमने इसको ऐसे उलाई में बदल दिया। तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र अगर हम देखना चाहें, इसके लिए भी हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई कोई एक क्या ले लो, एक गत्ता ले लो, गत्ते में से इस तार को गुजार दो, तो एक वृत्ताकार पास के आसपास चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होगा, उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे एक गत्ता ले लिया, इस वृत्ताकार पास को भी इस गत्ते में से गुजार दिया भाई, मतलब इसको इसके दोनों सिरों को ये छेद करके गत्ते में से और इसमें से निकाल दिया, तो ये गत्ता है इसमें। अब वो क्या करेंगे, इसमें से विद्युत धारा गुजारेंगे, विद्युत धारा जाएगी इसमें से, तो इसके ऊपर वही लोह चूर्ण हम थोड़ा सा छिड़क देंगे, फिर इस गत्ते को थोड़ा टैप करेंगे, तो टैप करने से क्या होगा, जो लोह चूर्ण होगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण वो अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में व्यवस्थित कर लेगा। तो किस प्रकार व्यवस्थित करेगा, इसके अंदर तो इसके चारों तरफ लाइनें बन जाएंगी, किस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जो एक वृत्ताकार पास होता है उसमें भी चुंबकीय क्षेत्र चालक के चारों तरफ एक सर्कल के रूप में ही होगा, जिस प्रकार एक सीधे चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र था वह एक सर्कल के रूप में था, ऐसे ही वृत्ताकार पास में भी चुंबकीय क्षेत्र सर्कल के रूप में ही होगा। और तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगा भाई, चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार हो गया, ये एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं बहुत सारी, अलग अलग बिंदुओं पे है, जैसे ये एक बिंदु हो गया, तो एक बिंदु ये ऐसे ऐसे करके, तो ये और ये चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता ही रहेगा आगे, मतलब ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये और बड़ी होती रहेंगी, ऐसे ही इसमें ऐसे देखो, इस प्रकार से ठीक है। और देखो चुंबकीय क्षेत्र इस चालक के आसपास नजदीक है, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का दायरा बढ़ता रहेगा, मतलब ये वाइड होती रहेंगी बढ़ती रहेंगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके सेंटर पे जो वृत्ताकार पास है इसके सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, ठीक है। अब सीधे चालक में और वृत्ताकार पास में अंतर क्या है, जो एक सीधा चालक होता है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा कमजोर होता है, मतलब वीक होता है, लेकिन जो वृत्ताकार पास होता है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इसका चुंबकीय क्षेत्र इस चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय जो क्षेत्र होता है ना, वो सारा एक बिंदु पे केंद्रित हो जाता है, इसके अंदर देखो यहाँ इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इधर ही है, इनके द्वारा भी इन सभी के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अंदर ही है। तो एक वृत्ताकार पास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है वो अधिक स्ट्रॉन्ग होता है, किससे, एक जो सीधा धारावाही चालक होता है उससे। अब इसके क्या गुण होंगे, तो मैंने बता दिया ये कि वृत्ताकार पास किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो वृत्ताकार पास में भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक गोलाई के रूप में होंगी, सर्कल के रूप में होंगी, और वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूरी के साथ साथ बढ़ती रहेंगी, और जब केंद्र पर पहुंचती हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, ठीक है भाई। अब निर्भर किस पे करता है ये, वही किस पे, विद्युत धारा पे। अगर इस पास में विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, बात याद रखना। दूसरा दूरी पे, अगर चालक से दूर जाते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। ये मत समझना कि इधर से जाएंगे तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, अब मैंने बताया, लेकिन देखो एक बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र तो घटता है, जैसे हम यहाँ का कैलकुलेट करें तो यहाँ से दूर जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम होगा, यहाँ जो बढ़ेगा वो बढ़ता है सबके कारण, सभी बिंदुओं के कारण मिला के बढ़ता है, एक बिंदु का तो दूरी जाने पर ही घटता ही है, तो दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तीसरा एक चीज को ये निर्भर करता है, किस चीज पे, देखो ये एक वृत्ताकार पास है और वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ है, एक वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ इसके अंदर। अब अगर इसी तार की दो कुंडलियां बना देते, जैसे ये तार आया और इसको एक बार ऐसे गया और एक बार और ऐसे कर देते, तो उस समय इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होता,
उस समय इसका चुंबकीय क्षेत्र डबल होता है। क्यों? क्योंकि एक बार जो इसने चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया वो तो एक टर्न ने पैदा किया, एक बार घुमाया बस एक कुंडली में, एक बार और घुमा दिया तो दो कुंडली होगी तो डबल चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। तो किसके निर्भर करता है? कुंडलियों की संख्या पे। किस पे? कुंडलियों की संख्या। ठीक है, मान लो कुंडलियों की संख्या n है तो n कुंडलियों की संख्या और चुंबकीय क्षेत्र का मान x है, x इसका x है, इसमें जितनी कुंडलियां बनेंगी उनका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? n x, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? कुंडलियों की संख्या के। जैसे जैसे इसमें कुंडलियों की संख्या बढ़ जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र उतना ही अधिक बढ़ जाएगा, ये बात याद रखना। तो वृत्ताकार पास में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है किन किन बातों पर निर्भर करता है? एक तो भाई विद्युत धारा पे, अगर विद्युत धारा बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा। दूरी पे, दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा। कुंडलियों की संख्या पे, अगर कुंडलियों की संख्या बढ़ती है तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ जाएगा, ये बात याद रखना। इसमें एक चीज और बात याद रखना भाई, जैसे मैंने बताया था आपको एक छड़ चुंबक जो होती है, एक छड़ चुंबक का नॉर्थ सिरा होता है एक साउथ सिरा। नॉर्थ से निकलती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और साउथ पे जाती है, तो इसलिए हमने कह दिया कि नॉर्थ का जो सिरा है वहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है। ठीक है, तो हमने नॉर्थ सिरा किसको माना? जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल गई है, एमर्ज कर रही है, निकल रही है, तो उसको हमने कह दिया भाई नॉर्थ, नॉर्थ, नॉर्थ पोल। ठीक है, अब अगर इस वृत्ताकार पास में आपको पूछने लग जाए कि इसका कौन सा फेस, इसके दो फेस हो गए ना, मान लो आपके पास वृत्त है, ये गोलाई में वृत्त है, इसका एक फेस ही हो गया, एक फेस ही हो गया, तो कौन सा फेस तो नॉर्थ फेस का काम करेगा और कौन सा साउथ फेस का काम करेगा? तो उसके लिए एक है क्लॉक फेस रूल होता है, क्लॉक फेस रूल, क्लॉक फेस रूल। इस रूल के हिसाब से ये क्या कहता है, इस रूल के हिसाब से भाई जैसे ये एक वृत्त है और इस वृत्त में ये विद्युत धारा है ऐसे, तो विद्युत धारा में अब मैंने बताया, अब इसको पकड़ के देखो ऐसे, अंगूठे को रखो इसकी विद्युत धारा की दिशा में, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे, ये उंगलियों को घुमाओ तो ऐसे जा रहा है ना अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ जिसमें जाता है वो किसका काम करता है? यहाँ तो एमर्ज वाला है, निकलने वाला है, जहां से निकल रही है वो नॉर्थ फेस है, जहां से एंटर कर रही है वो साउथ फेस है, तो ये साउथ फेस का काम करेगा इस साइड वाला। तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको कैसे, मतलब जहां से विद्युत धारा आई और इसको एस के रूप में ये तीर का निशान लगा दिया भाई, जहां एस का सिरा पॉइंट करेगा, इसका एस का जो आगे वाला फेस पॉइंट करेगा तो उस दिशा में इसमें विद्युत धारा है एस। अगर एस, एस के पॉइंट वाले में, मतलब एस बनाने के बाद एस का फेस पॉइंट करता है करंट की दिशा में, तो समझ लो वो साउथ फेस का काम करेगा। लेकिन अगर मान लो ऐसे हो, ये वृत्त हो गया और करंट इसमें ऐसे आया, अब मैंने बना दिया एस, इस प्रकार एस बना दिया भी, तो क्या इस एस का फेस विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा? नहीं, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा तो उल्टी है। इसका मतलब है इसमें हम एस नहीं बना सकते, एस इसमें बना सकते, जिसमें एस बन जाए आसानी से तो वो साउथ फेस का काम करेगा, लेकिन इसमें किसका फेस बन जाएगा? इसमें बन जाएगा नॉर्थ का, इस प्रकार एन बन जाएगा इसमें, एन देखो एन बन गया। तो अगर क्यों, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा ऐसे है तो एन आसानी से बन गया, इसमें विद्युत धारा की दिशा ऐसे थी तो ऐसा आसानी से बन गया, जिसमें एस बन जाए तो वो फेस साउथ फेस का काम करेगा, जिसमें एन बन जाए वो फेस नॉर्थ फेस का काम करेगा, मतलब नॉर्थ सिरा बन जाएगा वृत्ताकार पास का। इसको बोलते हैं क्लॉक फेस रूल, मतलब अगर मैं इस वृत्ताकार पास को उठा लूं तो इसका सामने वाला फेस जो होगा वो साउथ फेस का काम करेगा, साउथ पोल का, और इसके पीछे वाला जो सिरा होगा दूसरी साइड वाला वो किसका काम करेगा? वो नॉर्थ पोल का काम करेगा, बात याद रखना। ये हम इस रूल से ज्ञात कर सकते हैं, अगर विद्युत धारा की दिशा से हम आसानी से एस बना पाए तो समझ लो वो फेस साउथ फेस का काम करेगा, अगर विद्युत धारा की दिशा से हम आसानी से एन बना पाए तो वह सीधा नॉर्थ फेस का काम करता है। दिस इज कॉल्ड
क्लॉक फेस रूल। ठीक है भाई, ये हो गया भाई इसके, ये हो गया वृत्ताकार पास द्वारा। ठीक, तो भाई हम इस प्रकार एक वृत्ताकार पास को बता सकते हैं कि उसका कौन सा फेस साउथ फेस का काम करेगा और कौन सा नॉर्थ फेस का। तो भाई हमने दो पढ़ लिए, क्या एक सीधा धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होगा और एक वृत्ताकार पास द्वारा चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार उत्पन्न होगा। इनके पेपर में चित्र भी आ जाते हैं और ये भी आ जाता है कि इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं और वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। हमारा ये रहता है प्रणालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा, उसकी व्यवस्था क्या होगी, किन बातों पर निर्भर करेगा, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।